इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गिर क्यों रहे आइडेंटिटी के अभाव की वजह से क्योंकि इट हैज लॉस्ट इट्स सेंस ऑफ सेल्फ वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने आइडेंटिटी को किस बेसिस पे डिफाइन करे उसकी परिभाषा क्या है ये बोलना भी नहीं चाहता है कि मैं क्रिश्चियन स्टेट uh, था या हूं या मैं रहा था ही टॉक अबाउट इट द दूरोपियन डजेंट वॉन्ट टॉक अबाउट इट आई एम समन दैट डेवलपमेंट इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट क्योंकि जो खाते पीते लोग हैं उनको तो हमेशा रिसोर्सेज मिल जाएंगे जुगाड़ करके लेकिन जो मध्य स्तर के हैं या उसके नीचे हैं उनके लिए डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज वहीं से आती हैं गवर्नमेंट का रोल होता है उसको सप्लाई करने में बट अगर हम पूरी तरह से डेवलप हो जाएं और अपने हिंदू आइडेंटिटी को खो दें अगर यही करना था तो हमने स्वराज क्यों पाया ब्रिटिश हमें यही दे देता वो भी हमें रोड्स दे देता ही वुड हैव गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी ही वाज एनीवे डूइंग इट बट वी रेजिस्टेड कन्वर्जन्स फॉर एटलीस्ट टू हंड्रेड ईयर्स एंड बिफोर दैट ऑल्सो सो वॉट इज द प्राइज दैट वी आर गोइंग टू पे विच इज वाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संस्कृति सभ्यता और आर्थिक जो प्रोग्रेस है हमेशा साथ साथ जाना चाहिए किसी एक चीज़ को दूसरे के लिए आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आपको चुनाव करना पड़े अगर आपके सामने कोई विकल्प रखे मैं हमेशा धर्म और सभ्यता के सपोर्ट में रहूँगा क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सभ्यता रही आपका धर्म रहा तो आप लक्ष्मी का अर्जन फिर से कर लेंगे एज सिंपल एस दैट इज देश सिंपल एग्जाम्पल इक्यानवे के बाद जब गवर्नमेंट ने अपने जो कंट्रोल्स थे उसको जब हटा दिए वह उस दिन से लेके आज तक जिस रफ्तार से हम दौड़ रहे हैं दैट इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिंदू एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है सरकार हो या ना हो हिंदूज विल ऑलवेज नो हाउ टू क्रिएट मनी बिकॉज दैट्स आर बेसिक टेंडेंसी एंट्रप्रियल पीपल पीस लविंग पीपल लॉ अबाइडिंग पीपल ऑलफेक्ट कंडीशन फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ राइट लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैं चर्चा करता हूँ और मुझे महसूस होता है कि लोगों के दिमाग में या तो ये भरा गया है या शुरू से है कि हिंदू को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए अपने धर्म की बात नहीं करना क्यों? चाहिए और ये उनके दिमाग में उनको लगता है कि ये ये हिंदुत्व की पहचान नहीं है हिंदुओं की पहचान नहीं है कि वह दूसरे धर्मों की तरह अग्रेशन लेकर चले जिसको हिंदू धर्म से घृणा है या फिर जो हिंदुओं जो हिंदुओं से यह उम्मीद करता है कि वो अपनी हिस्ट्री को नहीं जाने वही जाके हिंदू के दिमाग में ऐसा भरता है थ्रू एजुकेशन सिस्टम 1835 से लेके आज तक जो एजुकेशन का कॉन्टीन्यूटी है उस पॉलिसी में जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उसका सिंगल बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस ये रहा है उसका सिंगल बिगेस्ट नतीजा या परिणाम ये रहा है कि आपके अंदर का जो क्षत्र है उसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया रेजिस्टेंस का जो स्पिरिट है उन्होंने खत्म कर दिया

कि आप दुर्गा माँ के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं तो दुर्गा माँ के नाम पे और क्या करेंगे <laughs> काली माँ के नाम पे और क्या करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली आपको देश को छुड़ाना है इनके चंगुल से देन यू हैव टू डू वॉट एवर इज नेसेसरी एंड आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो जिनके वजह से भारत में इतना सारा अकाल हुआ इतने सारे लोग मरे थे जितने लोग दो वर्ल्ड वॉर्स को मिला के नहीं मरे थे आप ये काउंट करके देख लीजिए कि 200 साल में यहाँ पे कितने लोग मरे थे या उसके कम वॉट इज दिस पीरियड में विच इज भाई My फर्स्ट ऑडियंस इज नॉट ए नॉन हिंदू क्योंकि वो सुने या ना सुने मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है माई ऑडियंस इज द हिंदू टू बेसिकली से थोड़ा तो जाग जाओ भाई यहां से के और कहा जाओगे आपको लगता था कि मैं यहां से छोड़ के कैलिफोर्निया चला जाऊंगा वहां पर भी अभी लाद पड़ रही है <laughs> जाति के नाम पर ओके सो देर इज नो प्लेस यू कैन गो यूरोप जाओगे मार्खा ओके यूके जाओगे बर्मिंग में तो यू कैन स्टे इन बर्मिंग बर्मिंग मोर

स्वामी विवेकानंद that that अगर मैं गलत हूं तो उनके बारे में आपकी क्या धारणा है आप सोच लीजिए आप जब कहते हैं हिंदू को जागना चाहिए क्योंकि फिर यहाँ नहीं तो कहीं और जगह भी नहीं मिलेगी उस जागने के प्रोसेस में उसको क्या क्या करना चाहिए तीन चीजें करना चाहिए फर्स्ट इज द कोर यूनिट जो है हिंदू आइडेंटिटी का वो है परिवार प्रोटेक्ट योर फैमिलीज इन एवरी वे पॉसिबल और उस फैमिली के अंदर जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको जागरूक कीजिए जब फैमिली के अंदर का जो हिंदू आइडेंटिटी है वो मरता है ऑटोमेटिकली सामाजिक लेवल पर वो मर जाता है एंड एज मच एज पॉसिबल सेंड योर चिल्ड्रन टू दो स्कूल्स जहां पर उनसे ये नहीं कहा जाता है कि हिंदू होने पर आपको शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि हिंदुत्व हिंदू आइडेंटिटी जो है वो जाति से शुरू होती है और वहीं पे जाके खत्म हो जाती है दैट हिंदूज इज ऑल अबाउट डाउरी किलिंग्स और फीमेल इन्फेंटिसाइड और कंटिन्यूस डिफीट्स इन हिस्ट्री देर आर टू लेवल्स हियर एक गवर्नमेंट को तो हिस्ट्री का सिलेबस चेंज करना ही पड़ेगा दस साल में क्या किया है आई एम सॉरी नॉट मच नॉट मच ऑन दिस फ्रंट इवन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी इस इश्यू को एड्रेस ज्यादा नहीं करता है इट्स एक्चुअली हाफ बेग मैशर टू जब तक गवर्नमेंट के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है कि इस दे हैव टू डू दिस समाज को अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये करना चाहिए विच इज वाई द बेस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट टेन ईयर्स इज समाज से ऐसे इतने सारे चेहरे एंड वॉइस उभर के आए हैं जो हिंदू समाज को अपनी हिस्ट्री के बारे में बेहतर पढ़ा रहा है और समझा रहा है उसी का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है वामपंथी को दैट्स दैट्स फंडामेंटल प्रॉब्लम कि इस समाज में ऐसे लोग कैसे आ गए इतने सालों से तो हम यहाँ पे पैसा पंप किए जा रहे हैं और एजुकेशन के द्वारा लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद ये कैसे हो गया

हिंदू को बीच में चुनाव करने की जरूरत नहीं है हम वेद भी पढ़ सकते हैं और साइंस भी पढ़ सकते हैं well life, मैं आपको एक simple, a दे देता जब यह हिजाब का कॉन्ट्रवर्सी चल रहा था आई एडमायर द डिस Uh, taken by the Muslim girls and their families. That if they have to choose between education and hijab, इन्होंने किसका चुनाव किया? Hijab. Exactly. अगर ये हिंदू होते तो क्या करते हैं? उस विषय में मैं उनको गलत मानता ही नहीं हूँ. My only regret is अगर ये हमारे साथ होता तो हमारे uh, parents क्या कहते हैं? ज़्यादा what is more important? Dharma or education? School? Go. English पढ़ो. English सीखो. दैट इज द लेवल ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन द हिंदू सोसाइटी इसी को एड्रेस करने की जो कोशिश है जो प्रयत्न है वो थर्टी फोर्टी ईयर्स या उससे ज्यादा भी हो रहा है बाई uh, धर्मपाल जी देन सीताराम गोयल रामस्वरूप देन कौन राडल डॉक्टर मीनाक्षी जैन आर सी मजुमदार के पहले जादूनाथ सरकार ऑल ऑफ दिस पीपल है कार्य जो है इसको करना जरूरी है स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल के जा रहा है यूट्यूब में हिस्ट्री के बारे में और आप सोचिए ना लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी है कि अगर कोई खड़े होकर सौ करोड़ हिंदुओं वाले देश में कह भी दे कि कि राम मंदिर बनने से तो अच्छा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज बन जाना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे फिर भी हिंदू का वोट पड़ जाएगा ये अपने आप में चीजें दिखाता है क्योंकि ये पहले हिंदू होगा जो कहेगा ये कितनी प्रोग्रेसिव विचार है आपको मंदिर और हॉस्पिटल में विरोध क्यों दिख रहा है भाई ऐसे इतने सारे हॉस्पिटल जिसको मंदिरों ने बनाया है इतने सारे ऑर्फनेज हैं जो मंदिरों ने किया है आस्था की अपनी एक जगह है और चैरिटी या दान का अपना एक जगह है एक के बदले दूसरे को यू डोंट नीड टू ट्रेड फॉर इट इसके बीच में एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी आस्था रहेगी तो आपकी संस्कृति रहेगी आपकी सभ्यता रहेगी और उसके अंदर जितने भी अच्छी चीजें हैं लाइक दान वट एवर इट इज वो सारा उसके साथ रहेगा अगर आपको सिर्फ दान करना है तो धर्म को पूरी तरह से छोड़ दीजिए बिकम एथीस एन यू कैन स्टिल डू इट इंग्लिश में यूजली इन इन वॉट इज इज अ वेरी पॉपुलर सिंग एंड आई एम सॉरी फॉर अ मोमेंट अटल स्विच टू इंग्लिश क्या करें एजुकेशन ही ऐसा है ओके सो धर्म इज अपस्ट्रीम ऑफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स इज द अपस्ट्रीम ऑफ कल्चर और डाउन स्ट्रीम ऑफ कल्चर विच मीन्स धर्म का धर्म स्त्रोत है और वहां से निकलता है संस्कृति और सभ्यता और राजनीति वहां से निकलती है राजनीति नहीं हमारे लिए वो राजधर्म माना जाता है इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग पॉलिटिक्स एंड राजधर्म आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स ऑल टूगेदर क्योंकि राजधर्म में एक सेंस ऑफ ड्यूटी है एक कर्तव्य कॉन्शियसनेस है राइट right? अगर आप इसको पूरी तरह से हटा देंगे धर्म को पूरी तरह से हटा देंगे जो ढांचा है जो मॉरल कोड है जो हमारी पूरी जीवन प्रणाली को गवर्न करता है वो आप वो पूरी तरह से बाहर गया दैट मीन्स एक मॉरल फ्रेमवर्क रहेगा ही नहीं ओके सो विच इज वाई आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आई एम पर A little bit interested in culture, but I'm certainly interested in Dharma because that is the root cause.